कान्हा की नगरी में गणेशोत्सव की धूम जमकर मची है। जगह जगह पर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे सुनाई दिए हैं। देश दुनिया सहित समूचे ब्रज मंडल में जगह जगह पर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर भव्यता के साथ गणेशोत्सव मनाया गया। गणेशोत्सव में एक ऐसा ही अद्भुत आनंद मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी देखने को मिला। 5 दिवसीय गणेशोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 दिवसीय गणेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र मंडल के द्वारा मथुरा रिफाइनरी सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर रिफाइनरी नगर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी एवं उनकी धर्म पत्नी मीना तिवारी द्वारा विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नगर में चल रहे 5 दिवसीय गणेशोत्सव में रिफाइनरी नगर के बच्चों ने भी अद्भुत प्रस्तुतियां देकर प्रतिभाओं को निखारा। वहीं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने कहा कि मथुरा रिफाइनरी नगर में समय समय पर सभी त्योहारों को बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। गणेशोत्सव में रिफाइनरी नगर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी अपनी अद्भुत कला की प्रस्तुतियां दी हैं, जिन्होंने सभी नगरवासियों का मन मोह लिया है। गणेशोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी बने बच्चों को अद्भुत प्रस्तुतियां देने के लिए हौसला अफजाई कर सम्मानित भी किया गया, एवं साथ ही रिफाइनरी नगर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया गया। राधाष्टमी के दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा को नगर में भ्रमण कराते हुए गोकुल बैराज स्थित माँ यमुना में विसर्जन किया गया। देखिए, जैसे कि पहले तो मैं आपको पूरे मथुरा रिफाइनरी नगर और मथुरा वासियों को गणेशोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक महोत्सव है जिसमें आपको इतिहास याद होगा, लोकमान्य तिलक साहब ने ये शुरू किया था आज़ादी को एक प्रेरणा देने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये गणेशोत्सव शुरू किया गया था महाराष्ट्र में, खासकर नागपुर और उस क्षेत्र में, ताकि सभी लोग इस रिलीजियस भावना से एक साथ इकट्ठा हो और अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ सकें। तो उसी भाव पीनी को आगे कायम रखते हुए एक महोत्सव है, एक उत्साह है, जहां पर लोग मिलजुल कर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, आराधना करते हैं गणेश जी का। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर शुरू करते हैं, तो ये बहुत ही पवित्र महोत्सव है जहाँ पर पूरे नगरवासी इकट्ठा होते हैं। और आपने देखा कि रंग रंग कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई, बच्चे और लेडीज इन सभी ने भाग लिया उसमें, और नन्हे नन्हे बच्चों ने भाग लिया, बहुत ही प्यारे इन्होंने कार्यक्रम पेश किया और उसका हम लोगों ने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी आज किया। और बहुत ही शानदार प्रोग्राम, ये 5 दिन का कार्यक्रम है, तो एक मंच है जहाँ पर सारे मथुरा नगरवासी जो है हमारे रिफाइनरी वासी इकट्ठा होते हैं और इसको मनाते हैं, तो एक टीम स्पिरिट की भावना भी इसमें झलकती है। तो मैं फिर से पुनः आप सभी को गणेशोत्सव के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। हम लोग रिफाइनरी टाउनशिप में रहते हैं, अलग अलग प्रांत से लोग यहाँ पर हैं और हर प्रांत का जो पर्व होता है हम लोग हंसी खुशी साथ में मनाते हैं। तो आपने देखा होगा, चाहे वो दुर्गाष्टमी का दुर्गा पूजा हो, चाहे अभी हमने हाल में रथ यात्रा निकाला और ये शुरुआत अभी इस साल का जो है गणेशोत्सव हुआ और दुर्गा पूजा होने वाला है, दशहरा मनाया जाएगा, दिवाली मनाया जाएगा, तो ये जितने भी पर्व होते हैं एक मौका होता है, एक उत्सव होता है जहाँ पर सभी लोग हम लोग इकट्ठा होते हैं और एक भाईचारा का संदेश भी जाता है इसमें। आप सभी
ब्रजवासियों को एवं देशवासियों को गणेश उत्सव के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हमें मथुरा रिफाइनरी नगर में और मथुरा रिफाइनरी नगर में महाराष्ट्र मंडल के द्वारा 5 दिवसीय गणेश उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गणेश चतुर्थी के दिन हुई और डेली कार्यक्रम में अलग अलग रिफाइनरी नगर के बच्चों द्वारा एवं यहाँ की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया, जिन्हें आज सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब रहे। उन्होंने आज सभी जितने भी लोग प्रतिभागी थे उन्हें सम्मानित किया है। बड़े ही आनंद की एक तरह से कह सकते हैं कि वर्षा हो रही है मथुरा रिफाइनरी नगर में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आधुनिकीकरण एवं अध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। वहीं मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो वहीं समय समय पर यहाँ निरंतर उत्सव भी ब्रज मंडल में मथुरा रिफाइनरी नगर में होते रहते हैं। आज बड़े ही आनंद की वर्षा हुई, साथ ही सभी जितने भी प्रतिभागी थे उनको सम्मानित किया गया रिफाइनरी प्रमुख के द्वारा। और ये 5 दिवसीय उत्सव है, जिसका की राधाष्टमी के दिन ये 5 दिवसीय उत्सव गणेश जी के विसर्जन के साथ ये उत्सव संपन्न होगा। वॉइस फॉर नेशन के लिए एवं ब्रज रज दर्शन के लिए मैं दिनेश सिंह करकर मथुरा। राधे राधे। गणपति बप्पा के विसर्जन वाले दिन नगर वासियों ने बारिश में भी पूरे जोश व उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। गणपति बप्पा की प्रतिमा को मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर से टाउनशिप के इनर रिंग रोड पर नगर भ्रमण कराया गया। भारी बारिश में भी नगर वासियों से गणपति बप्पा के विसर्जन में राधाष्टमी वाले दिन बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से लेकर युवा एवं महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ गणपति बप्पा को अगले बरस फिर आना कहकर विसर्जन करने में भाग लिया। गणेश उत्सव में रिफाइनरी नगर वासियों का यह उत्साह अपने आप में देखने को मिला।